नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। तो गॉड ऑफ वॉर के लास्ट वाले एपिसोड में हम गए हुए थे जंगलों में लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने के बाद हम आ गए थे घर पर, और घर पे आने के बाद हमने जो क्रेटोस की वाइफ है उसको वहां पे जला दिया था लकड़ियों के ऊपर रख के, क्योंकि वहां पे उसकी जो वाइफ है वो मर गई थी। उसके बाद हम आ गए थे एट्रियस के साथ यहाँ पे जंगलों में हंट करने के लिए, और जो एट्रियस है उसने यहाँ पे एक डियर को भी तीर से मार दिया था। तो आज से हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एट्रियस है वो यहाँ पे सामने की तरफ है, और अभी ना ये जो डियर है उसमें ना एक तीर तो लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट वो अभी तक पूरी तरीके से मरा नहीं है क्योंकि अभी भी उसकी जो आंखें हैं वो यहाँ पे खुली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलकर देख लेते हैं कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। Your knife. No. Finish what you started. तो अभी ना ये जो एट्रियस है काफी ज्यादा डर रहा है, क्योंकि अभी नया नया है ये हंटिंग वगैरह में, और ये क्रेटोस अपने बेटे को यहाँ पे सिखा रहा है कि किस तरीके से जो हंटिंग है वो यहाँ पे की जाती है। इसलिए यहाँ पर ये चाकू ना डालने में मतलब घबरा रहा है। ऑल राइट, तो फाइनली इसने इसको मार दिया है। काफी ज्यादा सैड हो गया अभी भी। ऑल राइट, ये कौन है भाई? एक सेकेंड उसने एट्रियस को नीचे फेंक दिया। मुझे बड़ा कोई मॉन्स्टर लग रहा है ये, और एकदम से आ गया। ठीक है, इसके पास इतना बड़ा हथौड़ा है, अभी इसको तो मारना ही पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ से तो सबसे पहले भाग लो, क्योंकि कितना ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले जो एट्रियस है इसको मैं बोलता हूँ, इसको जो तीर है इसको मारने के लिए। ऑल राइट, अब जो है मुझे अपनी ये जो है एक्स फेंक के मारनी पड़ेगी। मुझे जल्दी से जल्दी मारना होगा, इसके सर ही सर में मारूंगा तो शायद से मर जाएगा जल्दी। एक सेकेंड, मर जा मर जा। अरे मुझे भागना पड़ेगा। ऑल राइट, तो बच गया मैं, बिल्कुल बच गया। एक सेकेंड, अभी एट्रियस को मारना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके एरोज भी यहाँ पे खत्म हो चुके, तो अभी मुझे इसे पीछे से मारना पड़ेगा। ये खा, इसकी एक्स काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम थॉर के हैमर जैसी है। और मारेगा क्या? ठीक है, इसकी जो एचपी है वो आधी जो है कम हो चुकी है, बस आधी है, और इसकी जो एचपी है वो यहाँ पे कम करनी है, उसके बाद ये जो है मर जाएगा। ठीक है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। ऑल राइट, मेरे पीछे मत पड़, एट्रियस को इसको मारने को बोलता हूँ। ठीक है, एक बचो 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 भाई बचो, बच गया मैं, कितना बच गया। इधर मेरी जो हेल्थ है ये भी यहाँ पर कम हो जाती। अभी जो एट्रियस को मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, किधर गया? अभी मुझे इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसे मार नहीं पाएगा। ऑल राइट, ठीक है, तो अभी फिर से इस एट्रियस को बोलता हूँ, ये मारेगा। एक सेकंड, मेरे पास तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, इसके मुंह में मारता हूँ मैं, ये पकड़। अभी निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से, बच गया मैं। कितना ज़्यादा खतरनाक है ना ये, इसको मुझे इस तरीके से मारना पड़ेगा तभी जाके मरने वाला है, नहीं तो ये मरेगा नहीं। एक सेकंड, इसकी जो एक्स है इस बार चूक गई। अरे भाई भाई भाई, इसने मुझे मार दिया। शिट, फिर जो एक्स मुझे लेके आनी पड़ेगी, मतलब बुलानी पड़ेगी। ऑल राइट, अभी फिर से इसको एट्रियस को बोलना पड़ेगा इसको मारने के लिए। ये पकड़, एक और बस। ऑल राइट, तो अभी जो है इसका खात्मा करने का जो टाइम है वो आ चुका है। ऑल राइट, तो अब ये गया। ये एक और मुक्का, और इसके सिंग ही निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है मार दिया है इस क्रेटोस ने।
और अभी ये पागल हो गया है। Boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. We did it. You are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. ठीक है, तो यहाँ पर इस बड़े वाले मॉन्स्टर को तो मार दिया, और ये क्या मिल गया मुझे? मेरे हिसाब से फिर से मुझे जो हैक सिल्वर है ये यहाँ पर मिलने वाली है। एक सेकंड, हाँ मुझे 2000 से भी ज़्यादा जो हैक सिल्वर है वो यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। थोड़ी सी अपनी एचपी भी जो है बढ़ा ली जाए, और यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह तो है नहीं है जिससे कि मैं उनको यहाँ पर तोड़ पाऊँगा। ठीक है, कंटेनर्स तो है नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ निकलना चाहिए। मतलब इस जंगल में ना इतने बड़े बड़े जो जानवर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको चल लेकर मुझे जो है इसके ऊपर चढ़ लेना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ एचपी वगैरह पड़ी हुई है तो इसको भी यहाँ पर ले लेना चाहिए। और यहाँ हैक सिल्वर तो मेरे हिसाब से मुझे मिलने नहीं वाला। इसके अंदर क्या है भाई? नहीं, ये तो जो है टूटने नहीं वाला है। तो यहाँ से जो है मुझे आगे की तरफ निकलना होगा, और आगे की तरफ ये जो एट्रियस है ये मतलब तीर निकाल के क्यों बैठ गया है? ऑलराइट, तो यहाँ पर आगे भी काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं एट्रियस से बोलूँ इसको मारने के लिए, या फिर मैं ही मार दूँ उसको? सबसे पहले तो मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद एट्रियस से बोल। एक सेकेंड, देख ही बारे मर गया, लेकिन यहाँ पे और भी होंगे पक्का तो पता था मुझे। ये पकड़, निकल यहाँ से। टूट गया क्या? निकल यहाँ से, मरा नहीं अभी तक। निकल। और राइट, तो मेरे हिसाब से तीन ही होंगे ना, और तो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी एचपी वगैरह पड़ी होगी, मतलब एचपी मेरी कम होती नहीं है और मुझे बार बार जो है मिल जाती है। ये शायद से एक्सिल्वर होगा, यानी कि जो करेंसी है वो यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। और इन बॉक्सेस में तो कुछ नहीं है, खाली पीली पड़े हैं। इसके अंदर ज़रूर कुछ होना चाहिए, बट इसके अंदर भी कुछ नहीं है। कुछ मिल क्यों नहीं रहा भाई आजकल मुझे? एक्सिल्वर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि एक्सिल्वर का जो यूज़ है वो कैसे किया जाए। और ये क्या चीज़ है भाई? काफ़ी बड़ा दरवाज़ा लग रहा है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ शायद से इस दरवाजे को। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। Still can't get the doors open, huh? Quiet. ठीक है, तो ये वाला जो डोर है ये ओपन शायद से नहीं हो सकता है, और यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए कोई चाबी वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे ना क्या लगता है एक बार इसमें ट्राई करके देख लेना चाहिए, बट यहाँ पर ये जो है लग नहीं रही है। शायद से इसका जो की वगैरह है ना वो आसपास से होनी चाहिए, बट जो की वगैरह है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसमें मारने से कुछ होने वाला भी नहीं है। पीछे की तरफ भी इसकी कोई की वगैरह जो है मुझे दिख नहीं रही है, यानी कि जो गेट है ये यहाँ पर ओपन तो नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। और अभी जो है मुझे आगे की तरफ ही निकल लेना चाहिए। चलो यहाँ पे एट्रियस तो, एक सेकेंड, इधर भी है। चलो ये ना भी मुझे देख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसका जो खोलने का रास्ता है ना वो तो निकालना चाहता हूँ, बट यह निकल नहीं रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं को यहाँ पे मार लेना चाहिए मुझे। चलो एट्रियस भाई रेडी हो जाओ, सबसे पहले तो इसको मारूंगा मैं। ये पड़ा, ऑल राइट, एक सेकेंड, निकल इधर से, निकल, बहुत जल्दी मेहनत, अब तू आ जा। ये भी है क्या? तू भी आ जा, कीपर खा ले। चलो निकल यहाँ से, सबको तो यहाँ पे हमने मार दिया। हैक सिल्वर तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला मुझे। ठीक है, एक सेकंड, ये भी इसे तो मैं ऐसे मार दूंगा। निकल यहाँ से, निकल, बहुत देर से मैं मार रहा हूँ अपनी एक्सेस, समझ ही नहीं आता क्या इन लोगों को? एक सेकंड, अब ये भी है, इसको मुझे मारना पड़ेगा, बट उससे पहले जो एच पी है ये थोड़ी सी ले लेनी चाहिए। आ जा तेरी ऐसी कम तैसी, निकल निकल, एक ही बार में ठहर गया भाई, कमज़ोर है भाई तो। चलो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है।
इसकी भी जो एचपी है लेना चाहिए हेक्स एक सेकंड। इसमें ना दो दो बार जो एचपी है वो यहाँ मिलती है। ऑल राइट, ये दरवाज़ा जो है खोलने का कोई रास्ता वगैरह जो है मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर मैं लकड़ी को भी काट दूँ तो शायद उससे भी ना खुले दरवाज़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूती है इस दरवाजे में। ऑल राइट, तो अभी तो ऊपर की तरफ चल लेना चाहिए। अगर यहाँ से मैं चढ़ नहीं सकता हूँ तो ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं है, और यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी नहीं। पूरे में आग किसने लगा दी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद से इन्हीं लोगों ने लगाई होगी, जितने भी ज़ॉम्बीज वगैरह हैं शायद इन्होंने ही लगाई होगी ये जो आग है वो। तो यहाँ से तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ निकल लेना चाहिए। अबे हट के, हट ना यार, हट, हटता ही नहीं है। चलो अभी मुझे इसको यहाँ पे गिरा देना होगा। ऑल राइट, चलो भाई एट्रियस चलते हैं नीचे। तो अभी मेरे हिसाब से मैं घर के पास तो आ चुका हूँ, और वो जो दरवाजा है वो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुलेगा कैसे। तो अभी अंदर की तरफ ही चल लेना चाहिए। इसकी जो माँ की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अंदर की तरफ चल लेना चाहिए। अब एट्रियस को यहाँ पे सिखाने में क्रिएटर्स को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसे अभी कुछ भी नहीं आता है। एक डियर को नहीं मार पाया तो क्या करेगा ये। इसकी इसलिए ना इसको मुझे अपने साथ में लेके घूमना पड़ेगा पूरे जंगलों में, जहां पर भी मैं जाऊंगा। ये अभी शायद से इसकी जो एशेस है ये भरने वाला है पोटली में छोटी सी। शायद से अभी ना ये किसी इसकी जो ऐशेज है ना वो शायद से पानी में डालने के लिए जाएगा, क्योंकि जो ऐशेज वगैरह है वो हर बार पानी में ही डाली जाती है हमेशा। अब इसका पता नहीं लाइक पुराने जमाने में क्या होता है। घर में कम से कम ऐसे तीन चार जो मोमबत्ती है ना वो यहाँ पे जला लेनी चाहिए। कितना ज़्यादा अंधेरा है, थोड़ी बहुत ही मोमबत्ती जल रही। खाने के लिए कुछ पड़ा है क्या? नहीं, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मटका वगैरह रखा हुआ है। और ये वहाँ पे जाके बैठ गया, ऊपर की तरफ से खुला हुआ है इसका जो घर है वो। और यहाँ पे जो आग वगैरह है वो तो जली रही है। इसके अंदर क्या है भाई? एक सेकंड, इसके अंदर पानी वगैरह भरा हुआ है। इसको क्या हुआ? You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hit you? I want you to try. Ow! What are you... Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again. Stop it! Again. ये इतनी जल्दी तो यहाँ पे सीखेगा नहीं, काफी ज्यादा वीक है। Your anger, you can get lost in it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. What was that? All right, शायद से कोई अर्थक्वेक वगैरह है। मुझे मॉन्स्टर वगैरह के लग रहा है कि मॉन्स्टर वगैरह कोई बाहर की तरफ, क्योंकि आवाज़ें कुछ ऐसी आ रही हैं। और राइट, घर के बाहर कोई है? It's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now. But you told me never to go down there. ठीक है, तो शायद से अभी छुपाने के लिए बोल रहा है इसको। I do not know. Get in. क्योंकि किसी को दिखाना नहीं चाहता कि इसका एक बेटा भी है। This
Tell me what I want to know. No need for this to get bloody. ठीक है, ये तो छोटू सा पतलू सा है, ये तो ये कैसे मॉन्स्टर हो सकता है, लेकिन आवाज तो काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक निकाल रहा था। Just definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh, I'm pretty sure I do. 1 second. ये पिटेगा अभी, 100% ही पिटेगा। Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. ये मानेगा नहीं, ये तो पिटेगा, 100% पिटेगा। अभी गया। I warned you. Finally. ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे जो एट्रियस है ना, वो यहाँ पे सुन नहीं रहा है, वो अंदर है। और इसको शायद पता भी नहीं है कि इसका जो क्रेटोस, उसका यहाँ पे एक बेटा भी है। मेरे हिसाब से इसको जानता है पहले से कि जो स्ट्रेंजर है, जो भी है। ऑल राइट, ये क्या मजाक था? है तो पतलू सा और क्रेटोस को उठा के फेंक दिया उसने, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? इसके साथ तो मेरे हिसाब से तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। How incredibly disappointing. Come on, then. ठीक है, तो इसको मारना तो मुझे पड़ेगा ही। सबसे पहले इसको हाथों से मारता हूँ। ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, निकल इधर से। ठीक है, अभी इसकी बारी होगी 100%। आजा मार। नहीं मारेगा क्या? ये ले, ये ले, ये ले, और ले, और खा। अभी तो निकल जाना चाहिए। 1 second, 1 second, ये क्या मजाक था? इसके पास भी कुछ अल्टीमेट पावर है मेरे हिसाब से। मुझे जो एक्स वगैरह ना, वो यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए। ये पकड़, इसके तो मुझे मुंह मुंह में मारना पड़ेगा। मुझे जो एक्स है वो किधर गई? इधर आ, अब तुझे बताता हूँ मैं। 1 second, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। दो 1 second, क्या है ये? लिख, ये ले, ये ले, ये पकड़। इसके पास भी पावर है, अभी यूज़ करेगा 100%। यूज़ नहीं कर रहा, क्या बात है ना? यूज करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है यूज ना करें? ये मर क्यों नहीं रहा भाई? ठीक है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। 1 second इसने ये तोड़ दिया। Why are there two beds in? All right, तो इसे पता चल चुका है कि क्रेटोस के साथ यहाँ पे और कोई भी रहता है, इसी वजह से इसको यहाँ पे दो बेड तो दिख ही चुके हैं। लेकिन अब जो है ये क्रेटोस की हालत जो है पतली करने वाला है। All right, अच्छा वो घर के अंदर नहीं गिरा ये, लेकिन ये तो है मानने वाला नहीं। इसके पास भी कोई जो डियर जैसी जो पावर है ना, वो भी इसके पास है, क्योंकि इसकी बॉडी भी ना, जब ये पावर यूज करता है तो इसकी जो बॉडी है वो भी ब्लू कलर की चमकने लगती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये गया, फुटबॉल बना दूंगा आज तो मैं इसको, मार मार के। अभी जो क्रिएटर बताना नहीं चाहता कि इसका एक बेटा है और ये अपने बेटे को यहाँ पे छुपा रहा है इस स्ट्रेंजर से, क्योंकि जो स्ट्रेंजर है ना, कहीं और का भी हो सकता है, क्योंकि इसके बॉडी पे ना काफी ज्यादा टैटूज है। और ये क्या, इसके पास हीलिंग पावर भी है। Care to try again? All right. You talk too much. एक सेकेंड, ये तो मेरे हिसाब से क्रेटोस को तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि क्रेटोस काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये काफी ज्यादा बकबक बकबक कर रहा है।
ये ले अभी उसी के अंदर डाल देगा जहां पे इसने ग्रेनेड उसको फेंका था। ठीक है, एक सेकेंड, ये मरता क्यों नहीं भाई? मर जा, क्यों नहीं मर रहा है ये? किधर गया? एक सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है, इसकी जो एचपी काफी ज्यादा कम बची हुई है, मुझे इसका थोड़ी देर और संभालना पड़ेगा, थोड़ी देर और बस। अरे बस मर गया ये, अब नहीं बचेगा। इसकी आंखें भी ना वो डियर जैसी चमक रही हैं, ब्लू कलर की। पत्थर ही गिरा दिया, अब तो नहीं उठने वाला क्योंकि इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाएगा ये। और भाई आगे के सारे पत्थर गिर चुके हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है वो सारे के सारे गिर चुके हैं, और मेरे हिसाब से अभी तो ये उठने वाला नहीं है, तो मुझे तो यहाँ से अभी निकल लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल चुका है इसका। हाँ, खून तो काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, तो मेरे हिसाब से अभी उठेगा नहीं। यहाँ से भी देख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि मर ही गया होगा। चलो अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए, जो एट्रियस है ना वो अभी भी घर के अंदर बंद है, तो फटाफट से जाके मुझे उसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, नहीं तो अगर उसे पता चल गया तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो अभी ना मतलब हमें अकेले कहीं भी नहीं जाने देगा। और राइट, एक सेकेंड, ये मरा नहीं अभी तक, इतना ढीठ है भाई ये तो। अरे मरता क्यों नहीं है भाई? इतनी दो बार मार चुका हूँ उसको मैं, पूरी पूरी एचपी खत्म कर दी है इसकी मैंने, लेकिन तब भी नहीं मराई है। और इसने ना फिर से शायद से हीलिंग पावर यूज कर ली अपनी, क्योंकि इसकी बॉडी पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, और ये दोनों ना तरफ की जमीनें हैं इसने अलग कर दी है, दोनों के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। All right. एक सेकेंड, हाँ और मार उसको, और मार, ठीक है बच गया, बाल बाल बच गया ये, तो अभी ऊपर की तरफ चलना चाहिए। इसको मारा कैसे जाए यार, दो बार तो मार दिया इसको और अभी भी बकबक करने में लगा है ऊपर पंचायत थी। और इसकी क्रेटोस की हालत तो देखो, पूरा खून से लथपथ हो गया, इतना मारा है इसने इसको, और ये हीलिंग भी कर लेता है क्रेटोस के जैसा। क्रेटोस का भाई वगैरह तो नहीं है ये? अगर भाई होता तो बताता ना, क्रेटोस को पता ही होता, या फिर इसने ना शायद से इसने इसको किसी ने भेजा है। और राइट, तो यहाँ पर क्रेटोस ने भी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर लिया है, अभी फिर से शायद से मुकाबला होगा इससे। ऑल राइट, अभी इसका जो कहानी है ना यही मुझे खत्म कर देनी है। इधर आ जा तू, तेरी कहानी खत्म कर दूंगा मैं। एक सेकेंड, ये पकड़, भाग के इधर रह तू, निकल इधर से। अरे यार, ये ना इसकी ये वाली पावर ना, इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ये वाली जो पावर है ये काफी ज्यादा। एक सेकेंड, ही किधर गया? All right. इसको कुछ असर भी नहीं होता ना, फिर से मार दिया इसने मुझे, इसे जरा मुझे बच के रहना पड़ सकता है। ऑल राइट, मर जा भाई, मर जा, तू मर जा, नहीं मरेगा,
मार के रहूँगा इसको दमन। ऑलराइट, मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और ये जो है मरने का नाम ही नहीं लेता है। अभी मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि अभी ये मारने वाला है 100%। ऑलराइट, गया। अरे कैसे नहीं गया भाई, अभी गया। अभी उससे फुटबॉल बनाए गए, बच गया, नहीं तो गिरता अभी यहाँ से। ठीक है, अभी से किस्सा खत्म कर देगा ये। दोनों की बॉडी में कितना सारा खूनी खून लगा है, मतलब खून की शायद नदी होगी इनके पास, इतना खून निकलने के बाद भी रुकते नहीं है लोग। जादू वगैरह कर रहा है क्या इसके सर पे? ठीक है, तो फाइनली जो है इसका जो किस्सा है पूरी तरीके से खत्म हो गया और गई इसकी बॉडी पानी में। पानी में ही होगा शायद, नीचे मुझे पानी की आवाज ही आई। चलो फाइनली खत्म हुआ ये। कितना ज्यादा पावरफुल था, मतलब तीन तीन बार पूरी तरीके से मारने के बावजूद ये जिंदा हो गया और इतना बड़ा पत्थर भी उसके ऊपर डाल दिया तब भी ये बच गया। ऐसा तो कोई लाइक सुपर पावर वाला व्यक्ति ही कर सकता है क्रेटोस के जैसा, लेकिन क्रेटोस यहाँ पे कैसे, तो क्रेटोस क्रेटोस है, क्रेटोस को यहाँ पे कौन मार सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अभी एट्रियस के पास जाना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से अभी फिर से जिंदा होकर ना आ जाए क्योंकि पहली बार में तो आ गया था जब उसके पत्थर फेंका था। ठीक है, सांपने की तरफ घर आ गया, तो मेरे हिसाब से इसको हीलिंग कर लेना चाहिए। एक मेरे बच गया मैं, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से वो भागते भागते आ रहा है, लेकिन इसकी जो एक्स है वो यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो हीलिंग है वो यहाँ पे कर लिया है। थोड़े बहुत दाग बचे हैं लेकिन वो भी अभी थोड़ी देर में शायद खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर अभी एट्रियस को देखने जाना पड़ेगा कि जो एट्रियस है यहाँ पर ठीक है या फिर नहीं है। और मेरे हिसाब से जो घर है ना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंजर को कैसे पता चला कि जो क्रेटोस है वो यहाँ पर रहता है। ये नीचे ही होगा मेरे हिसाब से, भाग तो नहीं गया होगा। ठीक है, तो नीचे ही बैठा है, सो गया था ये तो। There was so much I thought you're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. But I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. ठीक है, तो जो आशीष वाली जो पोटली है ना वो तो इसने अपनी कमर पे लटका लिया है, तो मेरे हिसाब से अभी दोनों की दोनों शायद से कहीं बाहर जा रहे होंगे इस वाले घर को छोड़ के, इस पोटली की जो आतिश है उसे यहाँ पे पानी वगैरह में डालने के लिए। The mountain. It's gonna be a long trip. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर ना अभी हमें माउंटेन के पास जाना है, शायद से सबसे ऊपर वाली चोटी से ये जो ऐसे शायद यहाँ पे डालने वाला है। अभी उसका कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से तो अभी चलकर ही पता चलने वाला है। और राइट, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो रास्ता है वो तो ख़राब हो चुका है और अभी भी ना ये ज़मीन जो है हिल रही है और ये जो है जो एट्रियस है यहाँ पर डर गया है। आगे की तरफ मेरे हिसाब से चल के तो देख लेना चाहिए, लेकिन आगे की तरफ मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है ना वो यहाँ पर हो सकता है। मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या फिर से? फिर ऊपर तो मैं वैसे आ गया हूँ। घर के आसपास तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा और जो इसकी जो चिता थी ना वो भी यहाँ पर बुझ चुकी है। यहाँ से तो रास्ता जाने का जो है बंद है, यहाँ पर खुला हुआ है
तो वैसे मेरे हिसाब से कोई भी नहीं आएगा इसके घर पे। तो गॉड ऑफ वॉर के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया है तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए। और हाँ, मैं आपका मिलता हूँ गॉड ऑफ वॉर की नेक्स्ट वाली वीडियो में, बट उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये जो स्ट्रेंजर था आपको कितना ज़्यादा पावरफुल लगा, यानी कि आपको क्या लगता है जो स्ट्रेंजर है, ये जो क्रेटोस का कोई भाई वगैरह होगा या फिर इस स्ट्रेंजर को किसी ने भेजा होगा, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर से बता दीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।